मैं कोई प्रीचर नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, मैं एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटर हूं, लेकिन मैं भी अपनी लाइफ कैसे जीती हूं, क्योंकि जिंदगी में हर तरीके की सिचुएशंस आती हैं, तो मैं सिर्फ आपको वो शेयर कर सकती हूं जो मैं करती हूं, एंड व्हाट वर्क्स फॉर मी मे वर्क फॉर यू. एक तो है कि आई थिंक वी शुड गो फॉर मेडिटेशन कोर्सेस. हमको ऐसे कोर्सेज में एनरोल होना चाहिए. अभी आप फिजिकली तो एनरोल नहीं हो सकते, ऑनलाइन कोर्स जहां जहां आपको अच्छा मेडिटेशन कोर्स मिलता है आपको करना चाहिए. जैसे आप कोर्स में एनरोल करेंगे आपको मानसिक स्थिरता, अपने आप को मेंटल मैनेजमेंट, फिजिकल मेंटल मैनेजमेंट आ जाएगी, क्योंकि आपको सिखाएंगे. और उसमें आपको ध्यान लगाना है, आपके आपको चुप रहना है, साइलेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो मैंने विपश्यना कोर्स भी किया, मैंने इनर इंजीनियरिंग कोर्स भी किया, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स भी किया, मैंने ओशो के किताबें भी बहुत पढ़ी है, मैंने आर्ट वो ऑटोबायोग्राफी योगी भी पढ़ी है, मैंने स्वामी रामा की लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स भी पढ़ी है. मैं रेगुलरली सुनती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, अपने आप को ग्रो करती रहती हूँ. लेकिन इन सभी कोर्सेज का सार एक है जो मैं आपको शेयर करती हूँ. सार ये है कि आप अपने आप को देखो. मतलब आप कहोगे क्या देखो, अपनी सोच को भी देख सकते हो? हाँ, आप अपनी सोच को देख सकते हो, आप अपनी सोच को महसूस कर सकते हो. मेरे मन में इस वक्त उतावला आ रहा है, मेरे मन में उतावला आ रहा है, मेरे मन में जो बहुत खुशी आ रही है, बहुत अच्छी बात. तो इसका मतलब आप और सोच दो जगह अलग अलग है. यू हैव टू बी अ विटनेस टू योर ओन थिंकिंग, यू हैव टू बी विटनेस टू योर ओन डिप्रेशन, यू हैव टू बी अ विटनेस टू योर ओन व्हाट्स हैपनिंग. मेरे इस वक्त बड़ा अंदर दुख आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूं. अरे पता चल गया ना परेशान हूं, दैट मीन्स तुमको पता चल गया. जिस वक्त आप कहते हैं मैं परेशान हूं, इसका मतलब आपको समझ आ गई मैं परेशान हूं. लेकिन फिर आपकी बेवकूफी है कि मैं परेशान ही रहूंगा. अरे आपको परेशान हो तो आप अपनी परेशानी को डील कर लो. कैसे? कुछ और डूल करके, अपनी सोच को बदल के. सो आपके पास हिम्मत रहनी चाहिए कि मैं पता चल गया है कि मैं परेशान हूं, मुझे पता चल गया मैं दुखी हूं, मुझे परेशान है कि ये मेरा व्यक्ति दुखी कर रहा है, तो मैं उसकी बात में दुख से दुख की करूं. सो मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ जो मैं करती हूँ. आई एम अ वेरी सिंपल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल स्पीकर, आई एम ओनली गिविंग यू माय प्रैक्टिकल वे जो मैंने विपश्यना में, आर्ट ऑफ लिविंग में, इनर इंजीनियरिंग में, ब्रह्म कुमारी जी से और भी और सारे प्रोग्राम मैंने बहुत सारे सुने हैं, सार उसमें नजर आता है. ये सभी आपको ये बताते कि आप अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को सुनो, अपने आप का डील करो, और उसके बाद आपको जब पता चल गया कि आपके साथ क्या हो रहा है, तब आपको कुछ और करो, अपनी सोच बदलो. क्योंकि माइंड में दो सोच एक जैसे टाइम पे नहीं रहती है, वो एक आती है और उसको आप धक्का मार के दूसरा कर सकते हो. गाना गाओ, वॉक करो, कुदरत में चले जाओ, कुकिंग कर अच्छा लगता है करो, पेंटिंग करो, सत्संग करो, म्यूजिक सुनो, कुछ ना कुछ और डाइवर्ट करो, सेवा करो. सेवा भाव बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अब आप फिजिकली ज्यादा नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते. दूसरे का भला करो, दूसरे का सोचो, कुछ अच्छा पढ़ो, कोई ना कोई चीज जो योग करो, ध्यान लगाओ, बैठ जाओ, ध्यान लगाओ. अगर किसी का कोई काम आ सकते हो, घर में काम आओ, बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन इधर उधर ऊंचा नीचा बोलना गलत है. That means आपके आप काबू में नहीं है, अपने आप को काबू करो. डिप्रेशन जो है तभी आते हैं जब आप हार के सामने लेट जाते हैं. That means आपने उसको बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, अब वो हावी हो गया आप पर. विचार है आप आपके अधीन, ना कि आप विचार के अधीन हो जाओ. आप विचार को अपने हाथ में रखो कि मेरे, समझ लो कि मेरे सामने ये विचार आया है, ये ठीक नहीं है, मैं इसको गाली निकालू. रिएक्शन जो है वो आपके हाथ में है. एक्शन जो है, आप रिएक्शन ना करो, एक्शन करो. जब आपका मन कुछ कर रहा है, एक्ट करो. ठंडा सांस लो, गिनती करो, पानी पियो, गाना गाओ, डाइवर्ट करो, लेकिन रिएक्ट मत करो. क्योंकि रिएक्शन जो है वो तुरंत आपको नुकसान पहुंचाता है, या बाद में भी मान लो गलत शब्द बोल दिया, तुरंत आपको गाली का जवाब, गाली भी आ सकता है या बाद में भी आ सकता है, क्योंकि आपने तो बाहर है, व्यक्ति दूर है, वो बाद में आपको नुकसान पहुंच जाएगा. क्योंकि आपने वो जो कहते हैं ना, एक तीर है, शब्द एक तीर है, जो एक बार निकाला
चलाया वो वापस नहीं आ सकता। सो कैसे तीर मार रहे हो, किसको मार रहे हो? अपने आप को तीर मार रहे हो तो क्योंकि वापस आपको आएगा। सो आई वुड से बड़े साधारण तरीके से, क्योंकि आपने डिप्रेशन की बात की है, डिप्रेशन एक दिन में नहीं आता है, डिप्रेशन बिल्ड करता रहता है। आप उसके अधीन हो जाते हो, आप गुलाम हो जाते हो, अपनी सोच के गुलाम। अरे सोच तो आपको, आपने सोचना है सोच, और आप ऐसा सोचते हो जो आपको गुलाम बना देता है। सो आई थिंक यू हैव टू लर्न, गो फॉर दीज कोर्सेस, रीड दीज कोर्सेस। और आजकल तो इंटरनेट पे इतने प्रवचन अच्छे अच्छे, आप इंटरनेट पे प्रवचन लगाओ, इंटरनेट पे अच्छी अच्छी किताब सुनो, ऑडियो बुक्स भी है आज, इंटरनेट का बड़ा फायदा है। और अगर आप उसका समय का सदुपयोग करोगे तो आप समझदार बन जाओगे घर बैठे बैठे, क्योंकि आपको खुराक मिलने लग जाएगी जो कि आपके पास समय था ही नहीं। अब आपके पास समय ही समय है ऐसी चीजों को सुनने का, समझने का, एक्सपीरियंस करने का, प्रैक्टिस करने का और उनको अपनाने का।